नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बाड़ा में। बाड़ा एक ऐसा नाम है जिसने मराठी फिल्म इंडस्ट्री को एक नया संकेत दिया है कि इंसान अगर चाहे तो अपने हौसले से, अपने सपने से शीर्ष तक पहुंच सकता है। और जब भी हम खेल पर आधारित फिल्मों की बात करते हैं तो उसके व्यवसाय की बात नहीं है, लेकिन उसमें जो रोमांच होता है, आज उसी रोमांच को लेकर हम बात करेंगे मिहिरेश जोशी से, जिन्होंने बाड़ा में एक बहुत ही शानदार किरदार निभाया है और इस फिल्म के बहुत ही खूबसूरत अलग अलग एंगल से फिल्म को मूर्त रूप देने वाले सचिंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो फिल्मकार हैं। सचिंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। मिहिरेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप दोनों को बधाई देना चाहूँगा कि जिस तरह से फिल्म का एक जो माहौल बनाने की कोशिश की गई तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये कोई ओरिजिनल फिल्म है। ये ख्याल कैसे आया आपको? देखिए सर, मुंबई के अलग अलग बड़े बड़े हिस्सों में हमने देखा बड़ी होर्डिंग लगी हुई है, पोस्टर लगे हुए, तो एक माहौल बनता है इससे। माहौल बनता है और सबसे बड़ी बात है कि फिल्म रीजनल नहीं होती, कोई फिल्म फिल्म होती है जी। तो जब मैं बना भी रहा था या फिल्म की शुरुआत जो भी की तो ये माइंड भी नहीं था, क्योंकि मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से हूँ तो माइंड भी नहीं था कि रीजनल फिल्म बना रहा हूँ। वो एक फोकस हो जाता था कि रीजनल फिल्म बना रहे। तब जब रिलीज की बात हुई, पब्लिसिटी की बात हुई, तो प्रोड्यूसर और हमारी जो टीम थी उन लोगों ने बात की सर रिलीज़ भी हम इस तरह से करें कि लोगों को लगे कि ये फिल्म रिलीज़ हुई है। कि मराठी फिल्म रिलीज़ होती है कि इस पर्टिकुलर सर्किट पे पोस्टर लगते हैं, लेकिन चर्चगेट टू विरार और विरार ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में अब जब नासिक, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर, सब दीवार में बाड़ा ही नज़र आ रहा था। तो ये प्रोड्यूसर का मतलब प्रोड्यूसर की खासियत थी और जो हमारी रिलीज टीम थी उनकी तरफ से। आपने मिहिरेश को चुना, क्या ध्यान में था, मतलब क्या चल रहा था मन में कि इस तरह का किरदार चुना जाए? नहीं देखिए, एक तो क्या है, जब इस फिल्म की कास्टिंग की जब बात चल रही थी तो कम से कम हमने सिलेक्शन, क्योंकि आपने देखा होगा फिल्म में 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चों के लिए जब ऑडिशन शुरू हुआ तो बच्चों की भीड़ लग जाती थी, हर संडे हम लेते थे ऑडिशन। बट मेन प्रोटोगनिस्ट जो चाहिए था बाड़ा, उसको ध्यान में रख के हमने कम से कम 40 लड़कों का सिलेक्शन, मतलब टीम ने किया था कि भाई 40 लड़के का ऑडिशन ले लिया सर। फिर मैं बैठ के देख रहा था, उसमें से 4 लड़के सिलेक्ट किया था। इसकी तस्वीर जब सामने आया सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं आप जब पोस्टर पे देखेंगे ना तो यंग बच्चा सचिन तेंदुलकर का जो था ना, वो छवि इसके अंदर नजर आई मुझे। कि जब इसका जो था बैटिंग स्टाइल था, कुछ पुराने फोटोग्राफ्स भी देखे तो तेंदुलकर से इसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ऑडियंस के माइंड में मास्टर ब्लास्टर जो बैठे हुए ना बचपन का, क्योंकि जब खिलाड़ी के रूप में सबसे छोटे खिलाड़ी वही आए थे, बिल्कुल, तो टीनेजर और दिग्गजों के बीच उनकी एंट्री हुई थी, वसीम अकरम, बड़े बड़े और सब लंबे चौड़े के बीच में, तो वो एक जो इसके फोटोग्राफ देखा मैंने ऐसे करके कि बैट पकड़ा हुआ था जी ना, बड़ा इनोसेंट लगा। फिर इससे जब पर्सनल बातचीत हुई तो पता चला कि ये ऑलरेडी क्रिकेट का ट्रेनिंग ले रहा है। तो मतलब भाई छक्का चौड़ा मार सकते हो क्या? फिर इसकी वो टेस्ट हुई एक संडे ग्राउंड में ले जा करके, तो अच्छा खेला। देन मराठी फिल्म इंडस्ट्री ने किस तरह का रुझान दिखाया आपके प्रति, किस तरह का रिएक्शन रहा सर? क्योंकि आप उत्तर भारतीय होने के नाते फिल्म बना रहे हैं तो ये अपने आप में भी बड़ी अनोखी बात है। इंडस्ट्री के तो लोगों का भी फीडबैक आना शुरू हुआ रिलीज़ के बाद, जो प्रोड्यूसर्स, काफ़ी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर मिले, उन्होंने सराहना की, लेकिन जो एक्टरों ने जो काम किया और जो सपोर्ट किया वो बहुत बड़ी बात थी जी। कि मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं मुंबई कर, बट मैं मराठी फ्लुएंटली बोल नहीं पाता हूँ, और ना ही कोशिश की कभी, की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। और अचानक जब ख्याल आया मराठी फिल्म बनाने का, तो मैं विक्रम भट्ट, विक्रम गोखले जी के पास जब गया पहली बार, तो बोला मराठी फिल्म करोगे तुम? हाँ, मराठा बोलना पाइजे। तो बोला सर वो कर लूँगा मैं। तो अरे कैसे संभालोगे? बोला सर विजन इज डिफरेंट एंड संवाद इज डिफरेंट। संवाद आप बोलोगे, मेरे को समझ में आता है, सिनेमा इज विजुअल मीडिया। बोले ओके, तुरंत हाथ में लाने। बोले ये रोल किसको दे रहे हो? मतलब उपेंद्र लीमे के बारे में सोचा। बोले बात की है? बोले नहीं। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि उन्होंने स्क्रिप्ट के लिए बोले 24 घंटे मुझे दे दो, स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ। स्क्रिप्ट छोड़ के आया मैं, दूसरे दिन 11 बजे उनका फ़ोन आ गया, जो उनका अंदाजन। बोले सचिंद्र कहाँ हो? बोला सर घर पे, मेरे घर आओ। बोला
क्या हुआ सर, पढ़ी आपने? मैंने कहा मेरे घर आओ, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। फिर जैसे मैं उनके घर पे गया तो सर क्या कमाल की स्क्रिप्ट है ये, मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ ये बताओ। तो मैं सर उसके लिए ग्रैंड फादर का रोल आप कर रहे हैं, तो ये पुलिस वाले का रोल कौन कर रहा है? मैं दोनों नहीं कर सकता। बोला सर नहीं, तो इसके लिए क्या दिमाग में है? बोला सर उपेंद्र लिम्बे जो है राम गोपाल वर्मा जी की फिल्मों में काम करते हैं, पेस्त्री में दिखा था, आप जानते हैं उनको? बोला नहीं, बातचीत नहीं हुई, नाम जानता हूँ, मैं बात करता हूँ। बोले उन्हें तुरंत उपेंद्र को फ़ोन किया, 12:30 बजे की बात थी, उपेंद्र जी ने मुझे 3 बजे का टाइम दिया। मतलब विक्रम जी के घर से निकला मैं, ऑफिस पहुंचा, ऑफिस से विक्रम उनके, और वो आज तस्वीर चेहरे को आपने आज पोस्टर पे देखा है। और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपको जब पता चला कि ये सचिंद्र जी हमारे ऊपर एक भरोसा करने वाले हैं? हाँ, आप जब पहली बार ऑडिशन देने गए तो कैसा माहौल था वहाँ पे? बहुत बच्चे थे, जैसे कहा संडे का टाइम था, और बहुत ज़्यादा बच्चे थे, तो एक कंपटीशन हमारे लेवल पे अभी कौन है वो देख रहे थे, और मोस्टली सब बहुत कॉन्फिडेंस लग रहे थे, सब ऐसा लग रहा था उनका भी अच्छा हो रहा है परफॉर्मेंस, तो अपना भी जो एक लेवल रहता है वो थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंट हमको भी दिखाना पड़ता है, हमें पानी उबलने लगता है थोड़ा सा। तो प्रभुरस एकदम सीधा सीधा गया, फिर ऑडिशन दे दिया, उनका ही स्क्रिप्ट था वो चैम्पियन का, तो वो ऑडिशन दिया, एक सीन था वो मूवी का ही सीन था, वो ऑडिशन दे दिया, फिर कुछ दिन गए, 2-3 दिन ही मतलब कुछ भी नहीं, 3-4 दिन, फिर पता चला कि सिलेक्ट हो गया हूँ मैं मोस्टली। क्या लगा उस समय कि हमने 4 मारा 6 मारा? बहुत बहुत मजा, 6 मारा, इससे आप भावनाओं को समझ सकते हैं, आउट ऑफ स्टेडियम, वेरी गुड। और क्रिकेट का जो एक रुझान रहा है देश में, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर, आपने जब क्रिकेट से अपना नाता जोड़ा फिल्मों के जरिए, उसके पहले भी क्रिकेट से आपका? हाँ, मैं 5वीं से कोचिंग को जाता था। अच्छा, तो ये आपने सचिन जी आपने ध्यान रखा होगा कि बच्चा वैसा चुना जाए जिसके साथ क्रिकेट भी जुड़ा हो। डेफिनेटली, मैंने बोला कि जब इससे पूछा गया कि क्रिकेट के बारे में क्या है, तो इंटरेस्ट की 5वीं क्लास, इनकी मम्मी ने बताया, पापा ने बताया कि 5वीं क्लास से जाता है, प्रैक्टिस करता है, तब तो ग्राउंड पे लेके गया मैं, जो बॉलर था हमारे पास बहुत बढ़िया बॉलर था, मतलब छक्का चौका मार सकता है कि नहीं। और आप फिल्म के अंदर भी जो टीम देखेंगे, तो इसमें रियल टीम जो है ना, जो टूर्नामेंट खेलती है, उन टीम ने पार्टिसिपेट किया था क्योंकि अजीत वाडेकर साहब थे, उसके बाद जो हमारे जैकर साहब है, किरण जैकर, वसई के कोच है वो, और पूरे महाराष्ट्र में टूर्नामेंट करवाते हैं, वो मुझे मिल गए। तो बोले कितने टीम चाहिए आपको? बोला सर मुझे कम से कम 8 टीम चाहिए। तो फिल्म के लिए 8 टीम चुनना डिफरेंट, तो उन्होंने अलग अलग जगह से टीम, मतलब जो टीनेजर ग्रुप के जो लड़के चाहिए थे मुझे 12 से 14, वो ला के दिया उन्होंने, और सब एक से एक मास्टर थे, मतलब जो उनको आप बॉल शूटिंग के टाइम में बोला बेटा 6, तो 6 ही मारेगा। अच्छा, कितनी बड़ी चुनौती थी आपके सामने, क्योंकि हमने धोनी को फिल्म में देखा, सचिन को देखा, और ये बाड़ा क्या चल रहा था दिमाग में तब? देखिए दिमाग में तो था लोगों के, धोनी क्योंकि एक क्रिकेटर थे और उनकी बायोग्राफी थी, बाड़ा चूंकि कोई बायोग्राफी नहीं थी बट रियल लाइफ करेक्टर लगता था, तो चुनौती तो थी कि भाई वो एक फिल्म आई है जो बड़े स्कोर कर चुकी है, और सचिन वाली फिल्म जो थी बायोग्राफी थी, और सचिन जो चलनी चाहिए थी, जो उम्मीद थी वो नहीं चल पाई, तो वो एक थोड़ा अंदर डर भी बैठ गया था यार, क्रिकेट प्रेमी लोग बहुत है, क्रिकेट देखते, क्रिकेट से बनी वाली फिल्म पे जो है ना रुझान कम है। एक मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि इसको हिंदी में डब कीजिए। सर हमने बनाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदी में, वही किस प्रोड्यूसर से बात हुई है, ये वांट टू रीमेक, कि इसको हिंदी रीमेक करें, तब देखिए उसको कास्टिंग की क्या। मैं जब भी बोला कि मैंने मराठी में क्यों बनाया, इसका रीज़न ये था कि जो दादा का किरदार इतना बढ़िया किरदार है, जो बाप का किरदार है वो इतना ईमानदार है अपने करेक्टर के प्रति उपेंद्र लिम्बे, अगर आप हिंदी में बनाने जाओ इसको, तो मैंने जब पहले भी स्क्रिप्ट की तो आपको अजय देवगन के अलावा कोई दिखाई नहीं देता, दादा बच्चन साहब के अलावा कोई दिखाई नहीं देता, तो उस लेवल की फिल्म अगर बनती है तो हिंदी में बनानी चाहिए, नहीं तो नहीं बनानी चाहिए, या तो फिर डब कर देना चाहिए सीधे। दूसरी बात जो है मराठी में जाने का रीज़न ये रहा कि ग्राफ नहीं नीचे करूँ मैं, आर्टिस्ट का लेवल वही रखूँ, तो जो मराठी में विक्रम जी का लेवल है, उपेंद्र जी का लेवल है, तो उसको पकड़ के मेरी कहानी बन गई। मराठी में जाने का रीज़न ये रहा था कि कहानी हम ईमानदारी से बोल सके बस। आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया होगा, हाँ। टीचर के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ, सचिंद्र जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा था, ये फ्रेंड की तरह ही रहते थे सेट पे, मतलब
ऐसे एकदम स्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं थे, एकदम फ्रेंडली थे। तो सीन्स एक्सप्लेन करते हुए भी खेल, खेल में पिक्चर बन गई। हाँ, खेल खेल में पूरा। मैंने अपने हम सेट पे भी क्रिकेट खेलते थे, 40-50 बच्चे थे, तो मैंने बोला इनके जैसा हो जाता हूँ कि मैं अगर अकेला कुछ चेंज रहा तो इनको लगेगा कि नहीं डायरेक्टर आ रहा है, ऐसा मैं इनके साथ ही खुल जाता था सारी चीजों में। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आम आदमी के बीच जब जाते हैं आप उत्तर भारतीय समाज में, तो वो क्या कहते हैं कि मराठी फिल्म बनाई आपने? बड़ा तारीफ करते हैं वो। अमूमन ऐसा कम होता है कि अलग अलग भाषाओं के जो लोग होते हैं वो दूसरी भाषा में, हिंदी फिल्म की बात नहीं है, इंग्लिश फिल्म की बात नहीं है, लेकिन एक उत्तर भारतीय ने मराठी फिल्म, मैं हूँ राजस्थान से, मराठी फिल्म को बनाने की कोशिश की है। तो हम दुआ करें कि आने वाले समय में भी बाकी लोग भी किसी भी फील्ड से हो, किसी भी प्रांत से हो, वो मराठी इंडस्ट्री की अगर भलाई चाहते हैं तो बहुत सारी फिल्में बना सकते हैं। और हमारे जो सुपरस्टार हैं बाला साहब, बाला साहब हो जाए वो बाला साहब ठाकरे हो जाते हैं फिर। बिल्कुल, उनके ऊपर भी फिल्म बनी। हाँ, अभी जो नया ट्रेंड आया है सचिंद्र जी, उसमें आप बॉलीवुड को कहाँ पाते हैं? बॉलीवुड सर अपने जो जगह से बहुत ऊपर है और बहुत रियलिस्टिक जो फिल्में बनी, अब सही महीने पे जो है ना सिनेमा का उत्थान हो रहा है, तकनीकी रूप से भी, तकनीकी रूप से भी और कहानी के रूप में भी। जिस तरह कहानी कहानी के रूप में तो हम दावा नहीं कर सकते। पिछले दिनों एक फिल्म आई थी, बहुत मल्टी स्टारर फिल्म थी, लेकिन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। हाँ, कलंकित हो गया, कलंकित नहीं, उस हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि अब वो चीज नहीं चलेगी कि ये फिल्म इस बैनर की है, ये फिल्म इस बैनर की जी। आपने अगर बधाई बनाई है तो आपको बधाई मिलेगी। ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, कहानी देखना पसंद करते लोग। और देखिए बधाई में कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं थे, उस फिल्म के बाद आयुष्मान खुराना जो है लेवल पे आए, मतलब स्टार की दौड़ में आ गए। लेकिन उससे पहले जो फादर का किरदार निभाए थे, जो दादी, ये सब टीवी सीरियल ऑस्कर तक भेजेंगे बाला को। देखिए सर, अभी दो अवार्ड फंक्शन में भेजा था हमने, दोनों में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। एंड वी ट्राई कि बेस्ट ओवर, धीरे धीरे जर्नी, अभी दादा साहब फालके में भेजा हुआ है, नेशनल के लिए भेजा है, तो ऑस्कर की दौड़ में अगर जाना चाहे तो यहाँ मालूम है आपको कि पहले यहाँ की जूरी सेलेक्ट करती है, और हमारी जूरी कभी कभी ऐसी फिल्म सेलेक्ट कर लेती है, हमें शक होता है कि यार ये क्यों जा रही है। तो कुल मिलाकर अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इस देश में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। और आपको याद होगा कि संदीप पाटिल ने भी एक फिल्म की थी, कभी अजनबी थे, और बाद में क्रिकेटर के तौर पर उन्होंने जो पहचान बनाई। हम उम्मीद करेंगे कि आपके बारे में भी कुछ ऐसा ही सुनने को मिले। आपने क्या सोचा है अपने बारे में? मुझे एक्टर ही बनना है एक्चुअली, सेकेंडरी एक्चुअली। लेकिन मम्मी पापा ने आपको 5 साल की उम्र से ही, 5वीं से ही अगर क्रिकेटर बनाने की सोचे तो? नहीं, मतलब वैसा। मम्मी क्या बोलती है अभी? मम्मी बोलती है कि तुझे जो करना है वो कर, लेकिन पहले अभी पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि अभी जस्ट 10वीं हुआ है, तो अभी मैं जरा बहुत ज़्यादा ही मज़े में रहता हूँ ना। तो बोलती है कि अभी जा पढ़ाई कर, मतलब क्लासेस चालू हो गई क्योंकि बाकी के, तो पहले 11वीं 12वीं तो बेसिक साइंस करने ही पड़ेगा वो, उसके बाद मतलब बनना क्या है, एक फिक्स कुछ जॉब लगता है, तो वो क्या करना है वो डिसाइड अब तक हुआ नहीं है। करूँगा वो, मतलब मेनली कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाऊँगा। और एक्टिंग मुझे है ना बचपन से, मतलब सेकंड स्टैंडर्ड से ही मुझे अच्छा लगता था एक्टिंग करना। अच्छा। तो उसके लिए मम्मी पापा को बोलने का जरूरत नहीं पड़ता एक्टिंग कर या फिर क्रिकेट, वो मुझे खुद से मेरी हॉबीज ही थी वो। तो दिखा दिया वाला मैं। वाकई ये बहुत ही अद्भुत बात हो रही है यहाँ पर कि इन्होंने महसूस कर लिया कि मुझे एक्टर ही बनना था, जबकि इनकी जब परवरिश की गई तो उसमें क्रिकेट का बहुत बड़ा रोल था। वो कहीं ना कहीं से फायदा हो गया आपको? हाँ, बहुत फायदा हुआ। आपके दोस्त जो है जिन्होंने फिल्में देखी हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, अब वो किस तरह से देखते हैं आपको? किसी तरह से, उसी तरह से देखते हैं। लेकिन एक दोस्त, उनको कुछ ऐसा अजीब लगता नहीं है ना, मतलब उस दिन उन्होंने बहुत तारीफ की, फोटो वीडियो निकाला सब। लेकिन कुछ तो रूप बदला ना अपना। हाँ, वैल्यू बढ़ा थोड़ा, सेल्फी वाले ज्यादा आ गए। लेकिन दोस्त ऐसे ही, दोस्त अच्छे रहते हैं, अभी इसलिए तो दोस्त रहते हैं वो। दोस्त बन बन के मिले, मुझको मिटाने वाले मैंने देखे हैं, कई रंग बदलने वाले, लेकिन इनकी ज़िंदगी में हमेशा प्यार और मोहब्बत की बरसात होती रहे। अलग अलग किरदारों के जरिए ये इंडस्ट्री को तोहफा देते रहे, मनोरंजन करते हैं, और दुआ करेंगे कि चलते चलते एक बढ़िया संवाद हो जाए आपका उन लोगों के लिए जो आपको देख रहे हैं अभी इस वक्त टीवी पे। ठीक है। नमस्कार, मैं हूँ हीरेश जोशी। 3 मई को 12 हमारी मूवी मराठी में रिलीज़ हुई है। अगर आपको ये मूवी हिंदी में भी देखनी है तो आप अभी मराठी में देखो, बॉक्स ऑफिस को फोड़ दो पूरा, ताकि हम हिंदी में भी डब करें आपके लिए लाए। एक डायलॉग हो जाए अच्छा सा, बोलिए। डायलॉग एक्चुअली कमलेश जी का एक एकदम मस्त है। हाँ, सचिन जी याद रहेंगे। हाँ हाँ, तुझा बाप सरकारी नौकर, मैं लोकल, लोकल नेटवर्क फास्ट। वाह। उन वो जब बोलेंगे तो अभी और मतलब और एक अच्छा ही। आपका जो किरदार था, हाँ, उसने कभी कुछ ऐसा कुछ बोला हो जो
मैं सिर्फ बैट से बोलता था तो मेरा वही था। अरे डायलॉग ऐसे कोई एकदम बड़ा डायलॉग नहीं है, संवाद कम थे, एक्सप्रेशन ज्यादा था। तो कुल मिलाकर खेल के मैदान में खिलाड़ी वही होता है जो सिक्सर मारता है, और इनकी पहली फीलिंग यही थी कि हमने सिक्स मारा है और जो बॉल है वो मैदान के बाहर जा चुका है, स्टेडियम के बाहर जा चुका है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि सचिंद्र शर्मा और जिस तरह से एक नया प्रयोग करने की कोशिश की आपकी टीम ने, हम उम्मीद करें कि इसमें कई नए नए आयाम जुड़ेंगे और दर्शकों का बस एक ही सवाल होगा कि वाह क्या फिल्म बनाई है। अब बहुत बहुत शुक्रिया सचिंद्र जी आपका, और निशेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित रूप से मनोरंजन की दुनिया में आज वैकल्पिक व्यवस्थाओं की कोई कमी नहीं, बस आप थिएटर तक जाइए और मराठी भाषा को जो आप चाहते हैं उसके प्रति आप जज्बा दिखाइए, प्यार कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जाइए और देखिए वाड़ा। इस खास कार्यक्रम में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। जेव्हा तुझ्या पोटात भुकेची आग लागेल ना, खचलो दुखलो चुकलो तेव्हा तुझं डोकं थांबव। आपण त्याला बिना ऍड्रेस काढले पापा तुझ्या वडिलांचा अपमान करत राहणार आणि मी गप्प बसून ऐकू? तुमचा सन्मान करतो बरं का मी, अदरवाइज तुमच्या सारख्या मंडळी तुम्ही काय बोलताय, तुम्हाला कळतंय का? काय बोलतोय त्या बाबांकडे आम्ही आता दोघे जण त्याच्याबरोबर उद्या बच्चाच्या बायकीचं राहिलेलो नाही सांगतोय।